सो पेबल ने लॉन्च कर दिया अपना पेबल कॉस्मोस लक्स 2.0। कॉस्मोस लक्स एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच था, अब इसका 2.0 कैसा है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने इसको 3800 रुपीज में खरीदा है, आपको अभी प्राइस थोड़ी सी और बढ़ी मिलेगी क्योंकि लॉन्च प्राइस मिला था, और इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका बेस्ट बाइंग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें एमोलेड डिस्प्ले पैनल है भाई, जो कि 700 nits की है। सबको चेकआउट करेंगे इस वाली वीडियो में और आपको बताते हैं, और दूर दूर पानी भी कर लेंगे। यूनिवर्स ऑन योर रिस्ट। और ये रही अपनी वॉच, मैंने इसको ग्रे एंड सिल्वर वाले कलर मंगाया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कलर है, इसको मेरे को ट्राई करने का मन था। और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे इसका चार्जिंग केबल और एक एनवेलप है जिसके अंदर भाई दुनिया भर की पुस्तकें हैं, इसके अंदर कुछ काम का नहीं है। बोल रहे रिव्यू करो तो एक स्टैंप भेजेंगे फ्री गिफ्ट के लिए, कोई भी फेक रिव्यू मत कर देना, बहुत लोग का पैसा फंसता है आपके रिव्यू पे। फ्री स्टैंप के लिए अच्छे रिव्यू करने पड़ेंगे आपको, देख लो भाई करना है तो, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है गूगल का जो पिक्सल वॉच है उसको कॉपी करने का काफी कोशिश किया गया, देखने में थोड़ा बड़ा पिक्सल वॉच फील आ रहा है मुझे। है ये एक राउंडर स्मार्ट वॉच, और जो लॉकिंग बकल है इसके भी मेटल का बना हुआ है, और इसके साइड्स हैं भाई ये पूरे मेटल के बने हुए हैं, तो अच्छी क्वालिटी का डेफिनेटली फील होगा आपको। एक बार पहन के भी देख लेते हैं। एक्चुअली में इसका स्ट्रैप बहुत कंफर्टेबल बनाया इन्होंने, एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है, तो डेफिनेटली वॉच के साथ एक प्रीमियम वाला फील है। बट जो डिजाइन है पूरा कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड है पिक्सल वॉच से डेफिनेटली। वॉच को ऑन कर लेते हैं, पेबल की ब्रांडिंग आ चुकी है यहाँ पे। वैसे डिजाइन वाइज तो वॉच काफी ज्यादा सेक्सी लगती है देखने में, मतलब पेबल ने मस्त कॉपी की गूगल पिक्सल की, बट गूगल पिक्सल से कम बेजल दिया है ये देख सकते हो, जो काफी तगड़ा काम है। सर्कुलर डायल में आपको हमेशा ज्यादा बेजल मिलता है, बट पेबल ने यहाँ पे अच्छा कंट्रोल किया है। अच्छे डिस्प्ले डिजाइन के साथ साथ इस वाले वॉच के अंदर कॉलिंग भी मिलेगा आपको, बट आपको यहाँ पे 2 ब्लूटूथ कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ेगा। 4000 रुपए के अंदर बहुत सारे वॉच में भी सिंगल कॉलिंग कनेक्ट आ रहा है, तो पेबल से अगर कोई देख रहा है तो डेफिनेटली आपको फिक्स करना चाहिए कि सिंगल कनेक्ट हो तो बहुत अच्छा रहता है। और कॉलिंग एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से कॉल ऑन रखना पड़ेगा। ये वाला फीचर आपके बैटरी को सेव करने के लिए बहुत काम आता है। एक बार मेन्यू में जाके जाते हैं कॉलिंग में, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाओ और यहाँ से विश्वजीत को कॉल कर लेते हैं। और अगर बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, तो उसकी बैटरी लाइफ आपको 2 दिन मैक्सिमम चलती है, लेकिन अगर आप कॉलिंग यूज नहीं करते हो 7 डेज की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करते हैं हेल्थ ट्रैकिंग की, दिल की धड़कनें सुनते हैं। एक बार ऑक्सीमीटर लगा लो अपना, और वॉच पहन लेते हैं। जब आप ऐसे स्लाइड करोगे ये रहा इसका हार्ट रेट, ऑन कर लेते हैं और अपना ऑक्सीमीटर भी। वॉच के अंदर 79 BPM आया है और अपने ऑक्सीमीटर में 80 आया है, तो वॉच का हार्ट रेट तो एक्यूरेट है, क्योंकि पेबल एप्पल वॉच के क्लोन का कॉपी बनाते हैं, जिसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। इनके जो अपने वाले वॉचेस है ना, सब बहुत एक्यूरेट रहते हैं, तो डेफिनेटली लक्स 2.0 भी एक्यूरेट तो है। और फीचर्स के साथ यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेता है और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर कर लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, हमेशा मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट पे या फिर डॉक्टर पे भरोसा कीजिए। और इसका सेंसर कितना स्ट्रॉन्ग ये भी देख लेते हैं। देखो एक बार हार्ट रेट ऑन कर दिया, वाइब्रेट करता है ना, नहीं हो रहा ऑन, लेकिन जैसे मैंने अपने कलाइयों पे रखा वाइब्रेट हुआ जस्ट अभी। एक बार टेबल पे रखे करते हैं, पहचान के फौरन 1 सेकंड में, यहाँ पे तो कुछ हो सकता है भाई, यहाँ पे फंस चुके हैं। रीडिंग्स दिखा रहा था, मतलब कि उतना भी तगड़ा सेंसर नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको रेस्ट टू वेकअप मिल जाएगा। और वॉच के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, ये एक 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, और पेबल ऐसा बोलता है कि 700 निट्स की ब्राइटनेस है इसकी। 700 निट्स आपको स्मार्टफोन से मिलते हैं, मतलब इसमें नहीं है, लेकिन हाँ भाई। और अगर वॉच को मैं आउटडोर में यूज कर रहा हूँ, देखो अभी ये फुल ब्राइटनेस के ऊपर है और ये पूरा विजिबल नहीं है, मतलब इसके अंदर 700 निट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं एक बार वॉच फेस चेंज करता हूँ तो भी उतना ज्यादा विजिबल नहीं है, ब्रांड को थोड़ा सच बोलना चाहिए, बट इसको 500 निट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूं। तो अगर कंक्लूड करते हैं पेबल के इस वाले वॉच को, तो डेफिनेटली फॉर द प्राइस पॉइंट एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल रही है आपको। डिजाइन आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, मुझे तो काफी अच्छा लगा। इसके स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, बस एक्यूरेट उतना ज्यादा नहीं है, जो इस प्राइस पॉइंट में एक्यूरेसी मिलती है वही एक्यूरेसी आपको इस ज्यादा मिल रही है। मुझे तो पेबल कॉस्मोस बहुत अच्छा लगा, फॉर द प्राइस पॉइंट बहुत सारी चीज ऑफर कर रहा है, जो कि वर्थ इट लग रही है 3700 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। डेफिनेटली इस वाले वॉच को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको चेकआउट कर लेना और प्रोडक्ट में भी टैग कर देंगे, वहां से भी आप क्लिक करके खरीद सकते हो। और प्रोडक्ट में और भी अच्छे स्मार्ट वॉचेस टैग करके रखते हैं हम लोग, उसको भी चेकआउट कर लिया करो। इस वीडियो को देखते रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और यहां तक देखा है सब्सक्राइब करके जाना।